तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो हमने इंक्वायरीज पंच करी हैं उनको फॉलो अप किस तरीके से करना है। तो दो तरीके से आप इंक्वायरीज को फॉलो अप कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो हमारा इस बटन से है, जो ये येलो बटन रिमाइंडर इंक्वायरीज के, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप फॉलो अप इंक्वायरीज के ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पे आपको इंक्वायरीज ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे फॉलो अप सिलेक्ट करना है। अभी आप देखें कि जो उस डेट की आपकी इंक्वायरीज रहेंगी, जो उस दिन जिस दिन आप फॉलो अप कर रहे हैं, उस दिन जो जो आपने डेट्स इसमें एंटर कर रखी होंगी रिमाइंडर डेट्स, तो उस वो ही लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। अदरवाइज आपको प्रॉपर जो इंक्वायरीज है वो यहाँ पे नहीं दिखेंगी। आपको यहाँ पे फॉलो अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉलो अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स डालना है, जो आपकी कॉल पे बात हुई होगी कि अगर वो आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं या उन्होंने क्या आपको आगे से रिप्लाई करा। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी और गाड़ी खरीद ली है या हमें नहीं लेना अभी के लिए, हमारा प्लान चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप उस इंक्वायरी को क्लोज भी कर सकते हो। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपकी पेंडिंग इंक्वायरीज में ये इंक्वायरी जो है वो हमेशा दिखती रहेगी। अगर वो 2 दिन आपको और टाइम लेते हैं या आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, तो दोबारा से आपको यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उनका रिमार्क्स डालना है और इसको इन प्रोसेस में आपने डाल। थैंक यू।